दूसरा जो प्रकार हमारे सामने है ऐच्छिक तथा विशेष साझेदारी। यहाँ पर जब कोई साझेदार अनिश्चित काल के लिए तथा कोई भी व्यवसाय करने के लिए की जाती है तो वह ऐच्छिक साझेदारी कहलाती है। यहाँ ऐच्छिक साझेदारी में किसी भी समय सभी साझेदारों की सहमति से या किसी एक साझेदार द्वारा नोटिस दिए जाने पर समाप्त की जा सकती है, अर्थात ये ऐसी साझेदारी है जो सभी साझेदारों की इच्छा पर निर्भर करती है। जब तक सभी साझेदार चाहेंगे तब तक व्यवसाय संचालित रहेगा, फर्म संचालित रहेगी, साझेदारी संचालित रहेगी। और जिस दिन यदि सभी साझेदार चाहते हैं या कोई एक साझेदार चाहता है तो उस समय नोटिस देकर जो है सभी साझेदारों की सहमति से फर्म या व्यवसाय को समाप्त किया जा सकता है, साझेदारी समाप्त की जा सकती है। वहीं विशेष साझेदारी, जैसा नाम से स्पष्ट है विशेष, इसका मतलब यह है कि साझेदारी किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्थापित की जा रही है। और जैसे ही उद्देश्य क्या है पूरा होता है तो वैसे ही उद्देश्य पूरा होने के साथ जो है साझेदारी समाप्त हो जाती है। जैसे कि यदि किसी विशेष समय के लिए कोई विशेष उत्पादन करना है, किसी विशेष प्रकार का व्यवसाय करना है तो उतने समय तक के लिए वो साझेदारी बनी विशेष साझेदारी, और वो उद्देश्य पूरा होने के उपरांत जैसे उद्देश्य पूरा होता है वो विशेष साझेदारी समाप्त हो जाती है। तो ये दो प्रकार की जो यहाँ पर ऐच्छिक और विशेष साझेदारी। इसके बाद हम देखेंगे निश्चितकालीन तथा अनिश्चितकालीन साझेदारी। तो निश्चितकालीन साझेदारी जो है वो क्या होती है, एक निश्चित समय के लिए स्थापित की जाती है। और यहाँ पर समय पूरा होते ही जो है ये साझेदारी समाप्त हो जाती है। तो इसमें साझेदार होते समय इसकी समय अवधि जो है पूर्व से ही तय कर ली जाती है। सभी साझेदारों के बीच आपस में सहमति हो जाती है कि इतने समय तक हमारे बीच साझेदारी रहेगी या हमारे बीच जो साझेदारी बनी है उसके द्वारा व्यवसाय संचालित होगा। तो ये क्या हो गई, निश्चितकालीन साझेदारी, एक निश्चित समय के लिए बनाई गई साझेदारी। दूसरी प्रकार की जो है वही अनिश्चितकालीन साझेदारी, इसमें क्या है समय की पाबंदी नहीं होती है, अर्थात सभी साझेदारों की सहमति से अनिश्चितकालीन समय तक के लिए ये संचालित होती रहती है। तो यहाँ देखा हमने कि निश्चितकालीन साझेदारी क्या है, एक निश्चित समय के लिए स्थापित हुई और समय पूर्ण होते ही वो साझेदारी समाप्त हो गई। वहीं अनिश्चितकालीन साझेदारी, इसमें समय की पाबंदी नहीं है और जब तक सभी साझेदार चाहते हैं आपस में मिलकर तब तक वे व्यवसाय का संचालन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वैध व अवैध साझेदारी। वैध साझेदारी जो है वैधता के अनुसार साझेदारी के दो रूप हैं, जो साझेदारी विधिवत रूप से निर्मित की जाती है तथा अपना कार्य वैधानिक नियमों के अनुसार संपादित करती है वो कहलाती है वैध साझेदारी। अर्थात जो वैधानिक नियम, जो कानून के अनुसार साझेदारी अधिनियम के अनुसार जो नियम स्थापित किए गए हैं उन नियमों के अनुरूप जो साझेदारी बनाई जाती है वो वैध साझेदारी कहलाती है। वहीं अवैध साझेदारी वो है जो कि वैधानिक नियमों से परे रहकर स्थापित की जाती है। इसमें सदस्य संख्या जो है निर्धारित से कम या अधिक हो या गैर मान्य देश का व्यक्ति सदस्य हो अवैध या गैर कानूनी साझेदार कहलाती है। तो यहाँ चौथा प्रकार जो था वैध और अवैध साझेदारी। इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि साझेदारी के जो चार प्रकार हैं, सामान्य तथा सीमित साझेदार, ऐच्छिक तथा विशेष साझेदार, निश्चितकालीन तथा अनिश्चितकालीन साझेदार और वैध व अवैध साझेदार। अब इसके बाद हम देखेंगे साझेदारी के प्रकार के बाद साझेदारों के प्रकार। ये हमारे सामने साझेदारों के प्रकार। अब एक फर्म में जो साझेदार आपस में मिलकर फर्म का एक रूप अख्तियार करते हैं, बनाते हैं, उसमें किस किस प्रकार के साझेदार हो सकते हैं। तो जैसा कि सबसे पहला है सक्रिय साझेदार। सक्रिय से यहाँ पर तात्पर्य जो कि प्राउंट है, फर्म के प्रति काम करने के प्रति जो जिम्मेदार है। तो ऐसा साझेदार जो व्यवसाय में तो पूंजी लगाता ही है बल्कि व्यवसाय के संचालन में भी सक्रिय रूप से
भाग लेता है। साझेदारों की ओर से व्यवसाय का संचालन करते हैं सक्रिय साझेदार कहलाते हैं। तो यहाँ हमने देखा सक्रिय साझेदार वे हैं जो कि व्यवसाय का संचालन पूर्ण रूप से सक्रिय रूप में करते हैं और साथ ही पूंजी लगाते हैं, वे सक्रिय साझेदार। दूसरा जो है निष्क्रिय साझेदार। ये कौन से साझेदार हैं? ये साझेदार जो होते हैं ये सिर्फ व्यवसाय में क्या करते हैं, पूंजी लगाते हैं बस, लेकिन साथ ही ये व्यवसाय के संचालन में भाग नहीं लेते। परंतु ये साझेदार सक्रिय साझेदारों की भांति व्यवसाय के दायित्व के प्रति जिम्मेदार होते हैं। इन्हें हम निद्रालु या साइलेंट साझेदार भी कहते हैं, अर्थात शांत साझेदार भी कहते हैं। तो निष्क्रिय साझेदार वे साझेदार हैं जो व्यवसाय में सिर्फ पूंजी लगाते हैं किंतु ये व्यवसाय के संचालन में भाग नहीं लेते, लेकिन ये सक्रिय साझेदार की भांति व्यवसाय की जो भी जिम्मेदारियां दायित्व हैं उनके प्रति जिम्मेदार होते हैं। इन्हें निद्रालु या साइलेंट साझेदार कहा जाता है। इसके अलावा फिर प्रदर्शन द्वारा साझेदार, ऐसे साझेदार जो प्रदर्शित करते हैं कि मैं उस फर्म का साझेदार हूँ। तो यदि कोई व्यक्ति अपने शब्द या व्यवहार से किसी तीसरे पक्ष के समक्ष ये प्रदर्शित करता है कि वो साझेदार है, और उसके इस बात को बताने से या उसके इस प्रदर्शन से प्रभावित होने से तीसरा पक्ष जो है वो उससे उस फर्म के नाम से लेन देन करता है, तो ऐसा साझेदार प्रदर्शन द्वारा साझेदार कहलाता है। तो ये ऐसे साझेदार हैं जो प्रदर्शित करते हैं कि मैं उस फर्म का साझेदार हूँ। फिर नाबालिग साझेदार। नाबालिग से यहाँ तात्पर्य कि ऐसा व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है वो क्या कहलाता है, नाबालिग कहलाता है। तो ऐसे साझेदार को व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता किंतु सभी साझेदारों के समान लाभ में हिस्सेदार होता है, किंतु इसके लिए सभी साझेदारों की सहमति आवश्यक है। तो ये नाबालिग साझेदार वो साझेदार होता है जो कि 18 वर्ष से आयु में कम है। इस साझेदार को व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता लेकिन लाभ प्राप्त करने का अधिकार समान साझेदारों के समान इसको होता है, किंतु इसमें अन्य साझेदारों की सहमति का होना आवश्यक है। इसके अलावा पर सीमित साझेदार, ऐसे साझेदार जो सिर्फ व्यवसाय में लगाई गई पूंजी तक ही उनका दायित्व होता है वे सीमित साझेदार कहलाते हैं। यहाँ अब चूंकि उनके दायित्व सीमित हैं इसलिए यहाँ सीमित साझेदारों के अधिकार भी क्या होते हैं, सीमित होते हैं। ये सिर्फ पूंजी लगाने तक ही जिम्मेदार होते हैं। फिर कार्यकारी साझेदार। कार्यकारी साझेदार मतलब यहाँ पर जो कि फर्म के संचालन में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, तो अपनी विशेष योग्यता या अपने विशेष अनुभव के कारण फर्म का कार्य ये संचालित करते हैं, फर्म के संचालन में भाग लेते हैं, ये फर्म के सभी प्रकार के कार्यों को करते हैं। तो सामान्य तौर पर जो कार्यकारी साझेदार होते हैं वो पूंजी नहीं लगाते और इन्हें लाभ के हिस्से के स्थान पर इन्हें वेतन प्राप्त होता है, लेकिन चूंकि साझेदार शब्द जुड़ा हुआ है इसलिए इन्हें लाभ और वेतन दोनों प्राप्त होता है। लाभ इसलिए कि ये फर्म में एक साझेदार के रूप में है, वेतन इसलिए कि ये कार्य करते हैं फर्म का सभी साझेदारों की सहमति से। तो ये कार्यकारी साझेदार हैं। और अंतिम यहाँ पर है लाभ का साझेदार। वे साझेदार जो सिर्फ लाभ प्राप्त करने के लिए समझौता करते हैं तथा हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होते। तो ऐसे साझेदार जो सिर्फ लाभ प्राप्ति के लिए फर्म से जुड़े होते हैं और फर्म की हानि से इन्हें कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि पूंजी इनकी प्राय क्या होती है, कम होती है तथा व्यापार संचालन में ये भाग नहीं लेते, सिर्फ लाभ के ये अधिकारी होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि साझेदारों के प्रकार कौन कौन से, सक्रिय, निष्क्रिय, प्रदर्शन, नाबालिग, सीमित, कार्यकारी और लाभ के साझेदार। तो ये थे साझेदारों के प्रकार। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या एक नाबालिग या अवयस्क साझेदार हो सकता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 जो हमें बताता है कि साझेदारी का जो निर्माण है
वो सभी साझेदारों के बीच परस्पर संबंध के आधार पर होता है। अतः आवश्यक है कि यहाँ भारतीय साझेदारी अधिनियम अनुबंध अधिनियम के अनुसार अनुबंध करने की क्षमता रखता हो, अर्थात एक वही साझेदार बन सकता है जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार अनुबंध रखने की क्षमता रखता है, और यदि वो अनुबंध रखने की क्षमता नहीं रखता है तो ऐसी स्थिति में वो फर्म में साझेदार नहीं बन सकता। यहाँ वो साझेदार अनुबंध के अनुसार सिर्फ लाभ का हिस्सा प्राप्त करने के लिए सभी साझेदारों की सहमति से साझेदार बन सकता है। तो यहाँ एक अवयस्क या नाबालिग साझेदार तो बन सकता है फर्म का, लेकिन फर्म के साथ वो अनुबंध नहीं कर सकता क्योंकि वो उसकी क्षमता नहीं रखता और फर्म के संचालन में वो भाग नहीं ले सकता। लेकिन अनुबंध के अनुसार जो है सिर्फ लाभ में हिस्सा वो प्राप्त कर सकता है सभी साझेदारों की सहमति से। तो एक अवयस्क साझेदार के यहाँ हम अधिकार देखेंगे कि उसके क्या क्या अधिकार हैं। नंबर एक है फर्म की संपत्ति तथा लाभ में भाग प्राप्त करने का अधिकार। एक नाबालिग साझेदार को, अवयस्क साझेदार को फर्म की संपत्ति और लाभ के उस भाग का अधिकार होता है जिसके संबंध में साझेदारों के मध्य समझौता हुआ है, अर्थात यहाँ फर्म की संपत्ति तथा लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का उसका अधिकार होता है। फिर लेखा पुस्तकों का निरीक्षण, यहाँ पर प्रत्येक अवयस्क साझेदार को फर्म की लेखा पुस्तक को देखने, खातों का निरीक्षण करने तथा उसकी नकल लेने का अधिकार होता है। वह केवल उन पुस्तकों को नहीं देख सकता जिनसे फर्म के संबंध में कोई गोपनीय तथ्य दिए हुए, यदि कोई गोपनीय बातें हैं तो उनको वो भले ही नहीं देख सकता। बाकी जनरल जो लेखा पुस्तकें हैं, अकाउंट्स बुक्स हैं, खाते वगैरह हैं, उसको वो देख सकता है और उनकी कापी प्राप्त करने का उसको अधिकार होता है। फिर अभियोग चलाने का अधिकार, एक नाबालिग साझेदार लाभ के लिए, खातों के लिए या संपत्ति में अपने हिस्से के लिए फर्म के अन्य साझेदारों के ऊपर अभियोग नहीं चला सकता, परंतु वो यदि फर्म से अलग होता है तो पूंजी वापस प्राप्त करने के लिए मुकदमा चला सकता है। तो ये अभियोग चलाने का अधिकार। इसके बाद प्रबंध का अधिकार, प्रबंध के अधिकार से तात्पर्य यहाँ पर कि फर्म के संचालन संबंधी कार्यों में, फर्म की प्रबंध की व्यवस्था संबंधी कार्यों में उसको भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। तो इस प्रकार से एक अवयस्क साझेदार को फर्म के प्रबंध में भाग लेने का अधिकार नहीं है। अंतिम है यहाँ सामान्य साझेदार बनने का अधिकार। अब जब एक अवयस्क जो है समय व्यतीत होने के साथ वयस्क होने की श्रेणी में आ जाता है या वयस्क हो जाता है तो उसे सामान्य साझेदार बनने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अब ये बात उसकी स्वयं की इच्छा पर निर्भर करती है कि वयस्क होने के उपरांत वह फर्म में साझेदार बना रहना चाहे या फर्म से अपना संबंध खत्म कर ले। तो सामान्य साझेदार बनने का अधिकार जो है उसको अपनी आयु 18 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत जो है उसको सामान्य साझेदार बनने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ हमने जाना कि क्या एक नाबालिग या अवयस्क साझेदार हो सकता है और साथ ही एक नाबालिग साझेदार के अधिकार कौन कौन से हैं। अब यहाँ हम देखते हैं साझेदारी संलेख। तो साझेदारी संलेख क्या है? साझेदारी जो है व्यक्तियों के बीच हुआ एक समझौता है जो व्यवसाय संचालन से संबंधित होता है। तो संलेख क्या है? ये साझेदारी संलेख ये एक प्रकार का समझौता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर आपस में किसी व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत होते हैं जो लाभ कमाने की इच्छा से किया गया। तो इनके बीच में आपस में पूंजी लगाने से संबंधित और भी विभिन्न व्यवसाय के संचालन से संबंधित कार्यों के बीच में क्या होता है? समझौता होता है। अब ये समझौता कैसा होता है? लिखित भी हो सकता है और मौखिक होता भी हो सकता है, यद्यपि समझौते का लिखित होना अनिवार्य नहीं है, परंतु भविष्य की दृष्टि से इसका लिखित होना उचित होता है। प्रायः साझेदारी के समय साझेदारों में पारस्परिक प्रेम व सौहार्द की भावना होती है, परंतु भविष्य में उनमें आपस में मनमुटाव या झगड़ा भी हो सकता है। अतः समझौते की शर्तें स्पष्ट रूप में लिखित हों
तो झगड़ों का निपटारा आसानी से करना संभव होता है। जी हमने जाना कि जो हम साझेदारी समझौता संलेख तैयार करते हैं ये लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है, लेकिन चूंकि यदि लिखित में समझौता हुआ है तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि भविष्य में यदि किसी भी प्रकार का कोई मनमुटाव होता है तो समझौते लिखित समझौते को सामने रखा जा सकता है। तो इस प्रकार साझेदारी संलेख का तात्पर्य साझेदारों के मध्य उस हस्ताक्षर युक्त लिखित समझौते से है जिसमें साझेदारों के पारस्परिक कर्तव्य दायित्व अधिकार का उल्लेख करते हुए साझेदारी व्यवसाय के उचित संचालन हेतु उसमें संगठन प्रबंध और नियमन के संबंध में शर्तें एवं नियमों को लिखा जाता है। सरल शब्दों में साझेदारी संलेख साझेदारों के बीच हुआ एक लिखित समझौता है जिसमें व्यवसाय के संचालन से संबंधित नियम व शर्तों का उल्लेख होता है। तो यहाँ देखिए आप साझेदारी संलेख साझेदारों के बीच एक लिखित समझौता, क्लियर। तो संलेख क्या है? साझेदारों के बीच में आपस में जो समझौता हुआ है उसका लिखित रूप है। अब ये जो समझौता हुआ है लिखित समझौता, ये किससे संबंधित है? व्यवसाय के संचालन से संबंधित नियम व शर्तों का उसमें उल्लेख है। व्यवसाय का नाम क्या होगा, उसका पता क्या होगा, कौन कौन साझेदार होंगे, जिसका भी हम आगे अध्ययन करेंगे, ये सब व्यवसाय के नियम व शर्तों के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्या कहलाया? साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख एक लिखित समझौता है जिसमें व्यवसाय के संचालन से संबंधित नियम व शर्तों का उल्लेख किया जाता है। अब यहाँ हम देखें कि साझेदारी संलेख की आवश्यकता क्या है। तो साझेदारी अधिनियम के अनुसार साझेदारी व्यवसाय में अनुबंध या आपसी समझौता होता है जो लिखित या मौखिक होता है। यद्यपि इस समझौते का लिखित होना अनिवार्य नहीं है, परंतु आवश्यक है कि लिखित होना चाहिए, क्योंकि भविष्य में यह साझेदारों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यदि साझेदारों के बीच कोई मनमुटाव हो गया, कोई झगड़ा हो गया, कोई बातचीत हो गई, तो उस स्थिति में यहाँ पर यह संलेख जो है उसका निपटारा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दिखाता है। तो अक्सर देखा जाता है कि जब व्यवसाय प्रारंभ होता है तो प्रारंभ में तो सभी साझेदारों में आपस में बड़ा सहयोग, प्रेम, मैत्री, मेल मिलाप, आपसी सहयोग, इन सब की भावना होती है। परंतु जैसे जैसे समय व्यतीत होने लगता है तो व्यक्तिगत रूप से स्वार्थ लिप्तता प्रत्येक साझेदार में आने लगती है, सभी को अपना अपना हित दिखने लगता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर झगड़ा होने लगता है। अब यदि इस संलेख में सभी समझौतों को शर्त स्पष्ट रूप से लिखी है तो इन आपसी झगड़ों का हम आसानी से निपटारा करना संभव हो जाता है। तो संलेख का फायदा क्या है यहाँ पर? संलेख का फायदा यहाँ पर यह है कि फर्म का संचालन किस प्रकार से होगा, इसका स्पष्ट नियम और शर्तों का उसमें उल्लेख होता है। ऐसी स्थिति में कोई भी साझेदार इससे मुकर नहीं सकता और उसको जो भी समझौता हुआ है उसी समझौते के अनुसार उसको कार्य करना होगा। तो ये है साझेदारी संलेख की आवश्यकता और उसका अर्थ। अब यहाँ हम देखेंगे, हमारे सामने कुछ बिंदु दिए हुए हैं कि साझेदारी संलेख के अंतर्गत अनुबंध जो हम तैयार कर रहे हैं उसमें कौन कौन से बिंदुओं का उल्लेख होता है। तो जैसा कि अभी आपसे चर्चा की पूर्व में कि साझेदारी संलेख क्या है, एक समझौता है। इस समझौते में फर्म से संबंधित जो भी नियम या शर्तें हैं उनका इसमें उल्लेख किया जाता है। तो जब कोई साझेदारी फर्म का निर्माण हुआ तो जैसे सबसे पहले फर्म का नाम क्या होगा इसका उल्लेख किया जाता है। फिर फर्म का पता, जो व्यवसायिक फर्म हमने स्थापित की है उसका ऑफिस कहाँ होगा, उसका कार्यालय कहाँ होगा, इसका इसमें जिक्र किया जाता है। फिर फर्म का व्यापार का क्षेत्र, अब फर्म के द्वारा जो व्यापार किया जा रहा है उसका क्षेत्र किस प्रकार का होगा, स्थानीय होगा या राज्य होगा या अंतर्राज्यीय होगा या प्रदेश स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर। तो यहाँ पर व्यापार का क्षेत्र किस प्रकार का होगा। अब यहाँ पर साझेदारों के नाम व पते, इसके अलावा जो है उस फर्म में जितने भी साझेदार हैं सभी साझेदारों के नाम और उनके पते, इसका इसमें उल्लेख होता है। अब यदि फर्म में कोई नए साझेदार को भविष्य में प्रवेश दिया जाना है तो उसके संबंध में शर्तें क्या होंगी, किन शर्तें या किन कंडीशनों के आधार पर जो है हम
यहाँ पर साझेदारों को, नए साझेदारों को हम प्रवेश देंगे। फिर इसके अलावा साझेदारों की पूंजी, यहाँ इस बात का उल्लेख किया जाता है कि प्रत्येक साझेदार जो कि फर्म में साझेदार हैं, प्रत्येक साझेदार के द्वारा कितनी मात्रा में पूंजी लगाई जाएगी या किस किस साझेदार के द्वारा किस किस प्रकार की कितनी कितनी पूंजी लगाई जाएगी। फिर फर्म के व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय किस प्रकार का होगा इस बात का निर्धारण किया जाता है फर्म के व्यवसाय की प्रकृति के अंदर। इसके बाद फर्म की अवधि क्या होगी, कितने समय तक के लिए फर्म काम करेगी। फिर पूंजी पर ब्याज, साझेदारों के द्वारा जो पूंजी लगाई गई उस पूंजी पर ब्याज जो है किस प्रकार से दिया जाएगा अथवा नहीं दिया जाएगा। यदि लिखित है समझौता तो उसमें इस शर्त का उल्लेख होता है कि प्रत्येक साझेदार द्वारा जो पूंजी लगाई जा रही है उस पर ब्याज किस दर से दिया जाएगा। आहरण एवं उस पर ब्याज, आहरण क्या है, अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए यदि कोई साझेदार व्यवसाय से फर्म से पूंजी निकाल लेता है तो वो क्या है, आहरण। अब साझेदार के द्वारा जो आहरण किया जाएगा उसकी मात्रा क्या होगी, कितनी मात्रा तक आहरण किया जा सकता है और उसके द्वारा आहरित की गई राशि पर उसके द्वारा ब्याज कितना दिया जाएगा इसका उल्लेख होता है। फिर लाभ हानि विभाजन, साझेदारों के बीच आपस में लाभ हानि का विभाजन का अनुपात क्या होगा इसका उल्लेख किया जाता है। बराबर बराबर लाभ हानि का वितरण होगा या उनके पूंजी के अनुपात में होगा या फिर उनके द्वारा जो कोई अलग से अनुपात निर्धारित किया गया उस अनुपात। इसके अलावा वेतन एवं कमीशन, यहाँ पर जो है प्रत्येक साझेदारों के द्वारा जो काम कर रहे हैं सभी साझेदार या कोई एक साझेदार उसको वेतन यदि दिया जाता है या कमीशन दिया जाता है तो उसका उल्लेख होगा कितने किस प्रकार से दिया जाएगा। फिर साझेदार को ऋण, यदि फर्म के द्वारा व्यवसाय के द्वारा साझेदार को ऋण दिया जाता है तो वो किस सीमा तक दिया जाएगा। फिर फर्म द्वारा ऋण, यदि फर्म के द्वारा ऋण लिया जाता है तो उसका उल्लेख होगा। ख्याति का मूल्यांकन, फर्म की जो साख है, जो गुडविल है, उसका मौद्रिक मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाएगा, वो ख्याति के मूल्यांकन के अंतर्गत। फिर लेखा एवं उसका अंकेक्षण, साझेदारी संलेख के अंतर्गत जो है व्यवसाय या फर्म के जो हिसाब किताब का ऑडिट है, अंकेक्षण है, वो किस प्रकार से किया जाएगा। फिर कार्य विभाजन, जो भी साझेदार हैं फर्म के उनके बीच आपस में कार्य का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा, वो कार्य विभाजन के अंतर्गत है। फिर बैंक खातों का परिचालन, साझेदारों के द्वारा जो है बैंक में जो खाता खोला गया फर्म का उस खाते का संचालन जो है वो किस प्रकार से किया जाएगा या किन साझेदारों के द्वारा किया जाएगा ये तय किया जाता है। फिर फर्म के जो साझेदार हैं उन साझेदारों का बीमा किस प्रकार से होगा इसका उल्लेख किया जाता है। फिर दिवालिया होने की दशा में यदि कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है उसका जो संपत्ति है वो दायित्व से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो दिवालिया हो जाता है। तो दिवालिया होने की दशा में यदि कोई साझेदार दिवालिया हो जाता तो उस संबंध में नियम क्या होंगे। फिर साझेदारों का निकाला जाना, यदि कोई साझेदार कोई ऐसा गैरकानूनी काम करता है या फर्म के से जिसका फर्म का नुकसान हो जिससे, और ऐसे साझेदार को यदि फर्म से निकाला जाना है तो इस संबंध में क्या नियम होंगे इसका उल्लेख होता है। फिर साझेदारी का समापन, साझेदारी का जो समापन है वो किस प्रकार से हो सकता है ये हम आगे अभी अध्ययन करेंगे कि साझेदारी का समापन किन किन स्थितियों में होता है, तो उन बिंदुओं पर कभी इसमें जिक्र किया जाता है। फिर पंचायती बात, पंचायती वाक्य से तात्पर्य यहाँ पर कि यदि साझेदारों के बीच आपस में किसी भी प्रकार का विवाद है तो ऐसी स्थिति में उनके बीच जो आपस में उनके झगड़े को सुलझाने के लिए जो साझेदारों की समिति बनाई गई वो उनका निपटारा करेगी तो वो कहलाएगी पंचायती वाक्य। फिर साझेदारों का अधिकार व कर्तव्य, प्रत्येक साझेदार के अधिकार क्या होंगे उसके कर्तव्य क्या होंगे इसका उल्लेख होता है। इसके अलावा अंतिम जो है यदि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है या किसी अन्य दशा में साझेदार फर्म से अलग होता है तो उस संबंध में नियम क्या होंगे, ये बिंदु जो हैं साझेदारी संलेख के अंतर्गत आवश्यक बातें हैं। तो ये जो हैं संलेख में इन तमाम बिंदुओं
के तहत सभी साझेदारों के बीच आपस में क्या होता है, समझौता होता है। यही समझौता क्या है, साझेदारी संलेख कहलाता है। अब यहां हम देखेंगे साझेदारी संलेख के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान। अब यदि साझेदारी संलेख तैयार नहीं किया गया, साझेदारों के बीच में यदि कोई लिखित या मौखिक अनुबंध समझौता नहीं हुआ है, तो इनके बीच आपस में साझेदारी के संचालन से संबंधित नियम क्या होंगे, ये नियम हम जानेंगे। कि यदि संलेख नहीं बना है, अनुबंध नहीं हुआ है, तो सभी साझेदारों को फर्म के संचालन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। क्यों? क्योंकि जो साझेदार हैं वो फर्म के सदस्य हैं, फर्म से जुड़े हैं, और चूंकि समझौता नहीं हुआ है इसलिए प्रत्येक साझेदार को यह अधिकार है कि वो व्यवसाय में भाग ले सकता है। फिर यदि साझेदारों के बीच आपस में किसी प्रकार का विवाद हुआ है, तो संलेख के अनुसार पंचायती वाक्य का को नहीं बनाया गया, इसलिए आपसी जो भी विवाद है वो सभी साझेदारों की सहमति से आपसी बहुमत से निपटारा उसका किया जाएगा। फिर लाभ का वितरण, चूंकि यहाँ पर सभी साझेदारों के बीच लाभ हानि का विभाजन समान रूप से किया जाएगा, इसलिए क्योंकि संलेख पहले से तैयार नहीं हुआ है, वहाँ पर अनुपात तय नहीं किया गया है, इसलिए लाभ का वितरण जो है सभी साझेदारों के बीच बराबर बराबर होगा। फिर पूंजी पर ब्याज, यहाँ पर पूंजी पर ब्याज के अंतर्गत साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी पर किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि समझौता नहीं हुआ है। यदि समझौता होता कि किस साझेदार के द्वारा जो पूंजी लगाई गई है उस पर कितना ब्याज दिया जाना है तो उसका उल्लेख होता, तो यहाँ पर संलेख में इस बात का उल्लेख नहीं है, इसलिए किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाएगा। फिर वेतन कमीशन, अनुबंध के अभाव के कारण किसी भी साझेदार को फर्म का कार्य करने के एवज में किसी प्रकार का वेतन या कमीशन नहीं दिया जाएगा। फिर ऋण पर ब्याज, यदि किसी साझेदार द्वारा फर्म को किसी प्रकार का ऋण दिया जाता है तो साझेदार को 6% की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकार होगा। तो यहाँ पर यदि कोई साझेदार आवश्यकता पड़ने पर फर्म को ऋण देता है तो उसको 6% की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकार होगा। फिर आहरण पर ब्याज, यदि किसी साझेदार द्वारा फर्म से आहरण किया जाता है तो उसमें उसे किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाएगा। नए साझेदार का प्रवेश सभी की सहमति से होगा। फर्म की पुस्तकों को देखने का अधिकार जो है उसको सभी साझेदारों को होगा। तो ये साझेदारी संलेख यदि नहीं बनाया गया है तो उसके अनुसार जो अधिनियम 1932 के अनुसार जो प्रावधान है वो नियम ये है। यहाँ पर अंतिम है साझेदारी और एकाकी व्यवसाय में अंतर। स्थापना जो होती है, साझेदारी संलेख का जो निर्माण होता है वो उसके अंतर्गत फर्म का पंजीयन किया जाता है, जबकि एकाकी व्यवसाय में कोई वैधानिक कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होती, कभी भी व्यवसाय की स्थापना की जा सकती है। संख्या की बात करें यहाँ तो साझेदारी में अधिकतम जो है कम से कम 2 और अधिक से अधिक 20 सामान्य व्यवसाय में होते हैं और 10 बैंकिंग व्यवसाय में, जबकि एकाकी में सिर्फ एक अकेला ही व्यवसाय का स्वामी होता है। अधिनियम कौन सा लागू होता है साझेदारी में? भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। एकाकी व्यवसाय में कोई नियम नहीं, अधिनियम नहीं होता। पंजीयन की बात करें, रजिस्ट्रेशन की बात करें, तो साझेदारी फर्म का रजिस्ट्रेशन होता है, और लेकिन ये ऐच्छिक है, अपनी इच्छा अनुसार है। एकाकी व्यवसाय में पंजीयन नहीं होता। फिर साधन की बात करें, साझेदारी में साधन अधिक होते हैं क्योंकि व्यवसाय के अनेक स्वामी होते हैं। अब यहाँ पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आकर जुड़ जाते हैं, इसलिए साधन भी यहाँ बढ़ जाते हैं। एकाकी व्यवसाय में ऐसा नहीं होता, यहाँ कम होते हैं साधन क्योंकि स्वामी एक अकेला ही है। संचालन, समस्त साझेदार या उनमें से कोई एक ही संचालन करता है। एकल व्यवसाय में व्यापारी स्वयं संचालन करता है। फिर निर्णय की बात करें, निर्णय समस्त साझेदारों के परामर्श से लिया जाता है, अतः निर्णय में देरी होती है। चूंकि यहाँ 2 या 2 से अधिक साझेदार होते हैं, सभी साझेदारों की आपस में सहमति देखी जाती है, इससे क्या होता है कि यहाँ पर निर्णय लेने में विलंब होता है। एकाकी व्यवसाय में एक अकेला व्यवसायी है, एक अकेला व्यक्ति है, इसलिए उसको राय या सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, वो तत्काल निर्णय ले लेता है। साझेदारी में देखें हम, अवयस्क साझेदार हो सकता है लेकिन वह केवल लाभ में भाग ले सकता है, वह साझेदार नहीं, सामान्य साझेदार नहीं बन सकता।
एकाकी व्यवसाय में लाभ का विभाजन का प्रश्न ही नहीं है, अतः यहाँ पर अवयस्क जो है संचालन नहीं कर सकता। तो यहाँ हमने जाना साझेदारी एवं एकाकी व्यापार में अंतर। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न है आपके सामने, साझेदारी के प्रकारों को समझाइए, फिर साझेदार कितने प्रकार के होते हैं उनको समझाइए, साथ ही एक फर्म में क्या एक अवयस्क साझेदार हो सकता है समझाइए, इसके अलावा यदि जो फर्म में अवयस्क साझेदार है तो उसके अधिकार कौन कौन से उनको समझाइए, साथ ही साझेदारी समझौते के अनुसार जो साझेदारी संलेख तैयार किया जाता है वो उसका आशय समझाइए, साझेदारी संलेख के कुछ प्रमुख बिंदुओं को बताइए, और साझेदारी व्यवसाय व एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में अंतर लिखिए। तो यहाँ इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस अध्याय के अंतर्गत साझेदारी के प्रकार और साझेदारी के साझेदारों के प्रकार, साझेदारी संलेख, अवयस्क साझेदार, इनके बारे में हमने यहाँ पर जाना।